नमस्कार। अत्रि ऋषि ने एक अच्छे ज्योतिषी में क्या क्या गुण होने चाहिए वह दर्शाते हुए कई श्लोक दिए हैं। वहाँ पर उन्होंने ये दर्शाया है कि उनको सिद्धांत संहिता और होरा का ज्ञान तो होना ही चाहिए, पंचांग का भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सभी सिद्धांतों का अभ्यास करने के बाद नए नए आइडियाज़ के ऊपर मेहनत करने की, एफर्ट्स डालने की उसकी वृत्ति भी होनी चाहिए। आप अत्रि ऋषि का सूत्र देखें, सिद्धांत संहिता वेत्ता जातके च कृत श्रमः। न्यूमरोलॉजी या अंक शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी को, दैट मीन्स एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करके 2024 का प्रिडिक्शन देना एक वैसा ही प्रयास है। यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करेंगे। यदि हम 2024 के सभी अंकों को मिला दें, देन 2+0+2+4=8 नंबर आएगा। अब सभी नंबरों को, जो मूल अंक है हमारे 1-9, उन सभी अंकों को एक ग्रह के साथ एसोसिएट किया गया है और नृसिंहदेव यज्ञ, यंत्र चिंतामणि एवं कई ग्रंथों में इसके बारे में विशद सार से बात की गई है। वहाँ पर सर्वानुमत से ये कहा गया है कि जो 8 नंबर है वह नंबर शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, अष्टमः शनैश्चर सह युज्यते। तो यदि हमें 2024 हमें क्या परिणाम देगा वो जानना हो तो हमें ये जानना होगा कि शनि की एनर्जीज किस तरह की है और उसके आधार पर हमें प्रिडिक्शन करना होगा। और शनि की एनर्जीज़ को समझने के लिए हमने कई ग्रंथों का एज ए रेफरेंस उपयोग किया है। वो यहाँ पर मैं कुछ सूत्रों को एज ए रेफरेंस देना चाहूँगा। सर्वप्रथम जो रेफरेंस है, जो सर्वप्रथम सूत्र जो है, वह जातका देश मार्ग नामक ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर यह कहा गया है कालात्मा दुखम दिनेशात्मजः, अर्थात काल या टाइम का जो दुख है वह रिप्रेजेंट करने का काम शनि करता है। तो उसका अर्थ ये भी हो गया है कि 2024 में ओवरऑल अनप्लेजेंट इवेंट्स या हमें दुख हो उस तरह की इवेंट्स ज़्यादा हम एक्सपीरियंस करेंगे। अब ये जो इवेंट्स है जो हो रही है वह हमें अनप्लेजेंट या दुखदायी क्यों लगेगी, उसके बारे में बात करते हुए आचार्यों ने ये कहा है क्योंकि शनि कर्म फल दाता ग्रह है और हम सब ये चाहते हैं कि हमारे जो सही कर्म है, जो अच्छे कर्म है, उसका परिणाम तो मिले, लेकिन कभी भी हमें हमारे जो बुरे कर्म है उसके परिणाम न मिले। हालांकि शनि ग्रह की जब टेंडेंसीज को हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि शनि सिर्फ और सिर्फ बुरे कर्मों को ही दंड देता है। अब बुरे कर्म दो तरह से हो सकते हैं, आइदर जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम करें, जिसको रॉन्ग डीड्स कहते हैं, या फिर जिस तरह से हमें करना चाहिए उस तरह से हम ना करें, रॉन्गली हैंडल डीड्स हो। सो दोनों तरह के कर्म, आइदर न करने योग्य कर्म या फिर जिस तरह से हमें कर्म करना चाहिए उस तरह से हम जो कर्म नहीं करते उस कर्मों को शनि दंड देता है। आप जातक पारिजात का सूत्र देखें, दोष निज कर्मे क्लेशम करोति रविजः। उसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपने पास में कोई अयोग्य या रॉन्ग डीड्स की है तो 2024 में वह रॉन्ग डीड सरफेस्ड होगी और आप चाहो या ना चाहो उसके खराब परिणाम आपको भुगतने होंगे। तो जो जो लोग सही मार्ग पर है, जो जो लोग राइट पाथ पर है, जो जो लोग डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, जो अच्छे कर्मों में ऑलरेडी संयुक्त है, उन सब के लिए 2024 एक तरह से अनबिलीवेबल अच्छा ईयर रहेगा। लेकिन जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं या अपने बुरे कर्मों को छुपा के बैठे हुए हैं, उन सब को 2024 में दंड मिलेगा। और यह दर्शाते हुए जातक पारिजात टीका में यह सूत्र दिया गया है, शनैश्चर बंधनस्य ग्रह अस्ति, अर्थात शनि बंधन करता है। तो अगर आपने, आपको लग रहा है कि आपने चोरी कर दी या आपने कोई अपराध कर दिया और आप छूट गए, तो मान लो वैसा नहीं है,
2024 में आपको उसकी सजा भी मिलेगी और यदि आपका अपराध बड़ा हुआ तो उससे बंधन भी होगा। अब एक अन्य तरह से भी इस चीज़ को देखा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा कहते हैं और शनि को प्रजा कहते हैं, और नंबर 8 जो है या फिर शनि की जो एनर्जी है, इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू द कंसेप्ट ऑफ ऑथोरिटी, लीडरशिप एंड गवर्नेंस। उसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ जहाँ पर डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है, राजाशाही जैसी अवस्था है, वैसे प्रदेशों में पब्लिक प्रोटेस्ट होगा और गवर्नमेंट चेंज होगी। इतना ही नहीं, जिन जिन राज्यों में या जिन जिन देशों में इलेक्शंस है वहाँ पर लीडर्स को प्रजालक्षी काम करने होंगे। अगर प्रजालक्षी काम उन्होंने नहीं भी किए हैं तो एटलीस्ट पीपल फ्रेंडली पिक्चर उनको क्रिएट करना होगा, तो ही वो लोग जीत पाएंगे, अन्यथा उनकी गवर्नमेंट चली जाएगी। 2024 में प्रजा की जीत और राजा की हार होगी, यह जय है, यह तय है। अब इसमें भी ज़्यादा जब हम रिसर्च करते हैं तो ये पता चलता है कि शनि सर्विस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो सर्विस इंडस्ट्री में लेबर लॉज में एवं डेली वेजेस में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे। जिस तरह की अभी लेबर्स के साथ या सर्विस क्लास पीपल के साथ कहीं कहीं पर एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा है, वह 2024 में ख़त्म हो जाएगा और शायद कुछ प्रदेशों में उसके विरोध में प्रदर्शन भी होगा। अब 2024 में कौन सी इंडस्ट्रीज़ या कौन कौन से फील्ड में ज़्यादा मूवमेंट होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, वो दर्शाता एक सूत्र जातक पारिजात में दिया गया है। आयुर्जीवन मृत्यु कारण विपत संपत प्रदाता शनि ही। श्लोक को अगर डिकोड करें और डिटेल में समझे तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, एरोस्पेस, एविएशन, लीगल एंड जुडिशियरी, हेल्थ केयर, फार्मा इत्यादि क्षेत्रों में हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट देंगे। इन फील्ड के अंदर बहुत सकारात्मक परिणाम आएंगे, उसमें काफ़ी मूवमेंट रहेगी। अब विश्व के कौन से प्रदेश में या फिर आपके देश के कौन से एरिया में या कौन सी डायरेक्शन में ज़्यादा मूवमेंट होगी, कहाँ पर हमें सेंसिटिव होकर फोकस होना पड़ेगा, अगर हमें ये देखना हो तो उसके लिए वृद्ध यवन जातक में यह सूत्र दिया गया है, सौरी पश्चिम नाथा विचयंता, अर्थात वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादा मूवमेंट होगी। USA, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, कैनेडा, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जिस तरह की बातें यहाँ पर की गई है उस तरह की मूवमेंट ज़्यादा होगी। कैनेडा में कुछ बड़ा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सो 2024 में बहुत ही बड़े आमूल परिवर्तन कैनेडियन गवर्नमेंट में या फिर कैनेडियन पॉलिसीज़ में आएंगे। इवन USA में भी एक तरह से बहुत बड़ा राजकीय परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। अब भारत की भी बात करें तो भारत के वेस्टर्न पार्ट में हम बहुत बड़ी चहल पहल होती हुई दिख रहे हैं, और यदि गवर्नमेंट ने सेंसिटिवली हैंडल नहीं किया वेस्टर्न पार्ट को तो वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज भी हो सकती है। अब उसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके वैद्यनाथ जी ने तो ये कहा कि माउंटेन रीजियंस में या फिर जहाँ पर वेस्ट इकट्ठा होती है, वेस्ट मैनेजमेंट वाले एरियाज़ में या फिर जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं वैसे सफाई कामदारों के द्वारा सोशल रिवॉल्यूशन होगा। सो कुल मिला के हमें ये याद रखना है कि 2024 जो है वह नियम में चलने का वर्ष है। यदि आपने शॉर्टकट लिया या फिर आपने कोई इल्लीगल तरीका लिया तो आपको दंड मिलेगा, यह सुनिश्चित है। हमारे कर्मों का प्रभाव महसूस करने का यह वर्ष है। यदि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, हमारी बुद्धि को शुद्ध रखेंगे और हमारे आचरण को भी शुद्ध रखेंगे तो 2024 हमें न्यू हाइट्स देगा, अन्यथा हमें काफ़ी चैलेंजेस महसूस होगी। भविष्य पुराण में राजा नल शनि देव को प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना करके जो वो वैभव
वो डिजर्व कर रहा था उसको वो प्राप्त करता है। वो जो प्रार्थना थी वह प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। नमोस्तु प्रेतराजाय कृष्ण देहाय वै नमः सनेश्चराय क्रूराय शुद्ध बुद्धि प्रदायिने। सो आने वाला ये 2024 हम सबको शुद्ध बुद्धि प्रदान करे ताकि यह वर्ष हम सब के लिए मीनिंगफुल वर्ष हो, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु, प्रणाम।